अस्सलाम वालेकुम अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई में टीएमसी में रेरा अप्रूव में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। महेश तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 49 में चल रही एक रेव पार्टी में रेड मारी, जहां दिल्ली के राहुल, टीटू नाथ, जयकरण नारायण और रविनाथ को गिरफ्तार किया गया। यूट्यूबर एल्विस यादव समेत 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रेड के दौरान पुलिस ने 5 कोबरा सांप बरामद किया है, इसके साथ ही सांपों का जहर भी मिला है। जब पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की तो इनमें बिग बॉस विजेता एल्विस यादव का नाम भी सामने आया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एल्विस के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। खबरों के अनुसार एक एनजीओ ने स्ट्रिंग ऑपरेशन कर नोएडा पुलिस को यह शिकायत दी थी, हालांकि पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल में एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर कार्यरत गौरव गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि यूट्यूबर एल्विस यादव नोएडा के फार्म हाउस में अन्य यूट्यूबर के साथ मिलकर स्नेक, वेनम व जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराते हैं। इसके अलावा वह गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियों को आयोजित कराते हैं, जिनमें विदेशी युवतियों को बुलाकर स्नेक, वेनम व नशीले पदार्थों का सेवन कराया जाता है। जांच में पता चला है कि एल्विस ने राहुल नामक एजेंट का नंबर दिया और उनका नाम लेकर बात करने के लिए कहा है। मुखबिर ने राहुल से संपर्क करके पार्टी आयोजित कराने के लिए बुलाया। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी और पुलिस को भी इसकी सूचना दी। 2 नवंबर को सेक्टर 51 स्थित सिवरोन बैंक्वेट हॉल में आरोपित प्रतिबंधित सांप लेकर पहुंच गए। उसी दौरान वन विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से 5 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनकी पहचान दिल्ली के राहुल, टीटू नाथ, जयकरण नारायण और रविनाथ के रूप में हुई है। एल्विस यादव समेत 6 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है।